नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैदान वर्सेज बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में तो मैंने आपको लगातार जानकारी दी है कि किस प्रकार से दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे धराशा ही हो गई है। लेकिन दोस्तों, एक फिल्म ऐसी है जिससे अक्षय कुमार फिर से उम्मीदें लगा सकते हैं, और दोस्तों वो फिल्म है वेलकम टू द जंगल। यह दोस्तों बहुत ही बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी मूवी है, और ये फिल्म है वो दोस्तों बहुत तेजी से शूटिंग हो रही है इसकी, और इसका दोस्तों इसको क्रिसमस 2024 पे रिलीज किया जाएगा, मतलब इसी साल दिसंबर में फिल्म को रिलीज किया जाएगा, तो बहुत उम्मीदें इससे लगा सकते हैं। तो इस फिल्म में दो कलाकारों की एंट्री हो गई दोस्तों, जैकी श्रॉफ और आफ्ताब सिरदासानी। बहुत कलाकार इसमें नाम सुनिएगा, थोड़ा बहुत मुझे याद बदलता हूँ आपको। देखिए, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, आफ्ताब सिरदासानी, जैकी श्रॉफ, तुषार कपूर, उसके अलावा दोस्तों टिक्कू शारदा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दोस्तों। कितने नाम मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर बहुत सारे कॉमेडियंस कलाकार हैं इसमें, शायद कम से कम भी 20 से 25 मतलब इसमें कलाकार है टोटल मिलाकर के, 20 से 25 मतलब इसमें हीरो मतलब टोटल कॉमेडियन वगैरह सब मिलाकर के। दलेर मंदी, राजपाल यादव भी है इसमें, और बहुत सारी हीरोइंस भी इसके अंदर है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म की है कि अगर आप 15-20 मतलब मैंने कल परसों पढ़े थे, 20-25 स्टार कास्ट इसमें है। कहीं तो मुझे नाम याद नहीं, मुझे कुछ 7-8 नाम याद रहे जो मैंने आपको बताया, बाकी बहुत लंबी स्टार कास्ट इसकी है। तो ये मान लीजिए कि आपकी लगभग सारे कॉमेडियंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, शायद प्रेस रावल भी इसमें, और शायद असरानी वगैरह ये जो और भी जो कॉमेडियंस हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मतलब इसमें कलाकार हैं जिनके मैं नाम आपको एक दिन पूरे बताऊँगा एक साथ, लेकिन करीब 20 से 25 मैंने स्टार्स इसमें गिने थे जो इसमें काम करने वाले। तो अब दो और कलाकारों की एंट्री हो गई है, तो बहुत बड़ी फिल्म है। क्या अक्षय कुमार के लिए ये फिल्म वापसी करेगी, क्योंकि अभी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ पिट गई है, अब तो सरफिर आ रही है उनकी, अगले महीने ट्रेलर आ सकता है सरफिरा का, और सरफिरा के बाद में दोस्तों कोई सिंगम अगेन में उनका रोल है तो वो आएगी, और स्काई फोर्स है, खेल खेल में शूटिंग वो कर चुके हैं कम्प्लीट, थोड़ी बहुत बाकी है अभी, पूरी तो नहीं हो पाई है। और दोस्तों एक स्टार्टअप का भी, स्टार्टअप का नाम सरफिरा रखा है शायद उन्होंने, और इसके अलावा एक छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल भी वो एक फिल्म में प्ले किया है, तो वो फिल्म भी उनकी आने वाली है। मतलब फिल्म में बहुत है उनके पास, एक से बढ़कर एक फिल्म, अभी साउथ की कनप्पा फिल्म भी साइन कर ली है उन्होंने, तो फिल्मों की कोई कमी नहीं है खिलाड़ी कुमार के पास, बस फिल्म चले ये उम्मीद जरूर उनके प्रशंसा कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय बोले राम।